आप देख रहे हैं न्यूज बिहार, बिहार का नंबर वन डिजिटल चैनल। लालू प्रसाद और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने वाली नहीं लग रही हैं, न तो उन्हें राहत मिलने वाली है और जो बुरा दौर शुरू हुआ था वो अभी और लंबा चलेगा। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि एक बार फिर से लालू का पूरा परिवार मुश्किलों में आ गया है। लालू प्रसाद जहां जेल में हैं, वहीं तेजस्वी हार के बाद से फरार हैं। तेज प्रताप यादव पर कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। वहीं बड़ी बेटी मीसा भारती, पत्नी राबड़ी देवी, छोटे बेटे और लालू प्रसाद के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले तेजस्वी यादव के साथ साथ लालू प्रसाद की बेटियां रागिनी और चंदा सब एक बार फिर से मुश्किल में पड़ गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं और जानेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि न्यूज़ बिहार और भारत लाइव आप सभी को हर खबर से अपडेट जो रखता है। अब नया मोड़ पूरे मामले में आ गया है कि आयकर विभाग ने लालू परिवार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार जल्दी ही लालू यादव और राबड़ी देवी से जुड़े बेनामी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। इस कार्रवाई में अवैध बैंक खातों के साथ ही फेयर ग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी मकान को भी जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि इस कंपनी के साथ परिवार के जिन सदस्यों का नाम हमने ऊपर बताया है वो सब जुड़े हुए हैं। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स विभाग ने अंतिम मुहर लगा दी है और जल्द ही एक्शन भी लिया जा सकता है। बता दें कि ये संपत्ति पटना के हवाई अड्डा के नज़दीक है। इसी बिल्डिंग में फेयर ग्रो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चल रही थी, जिसके ये पूरे परिवार के सदस्य निदेशक थे। आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि इस कंपनी में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी, बेटी रागिनी और चंदा बतौर डायरेक्टर थे। इनके डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल 2014 से 2017 तक रहे हैं। सभी इस कंपनी से जुड़े हुए थे। ताज़ा अपडेट के अनुसार आयकर विभाग के प्रथम अपीलीय अथॉरिटी ने शुक्रवार को यानी कि कल लालू परिवार से जुड़ी बेनामी संपत्ति और आवामी बैंक खाते के सभी बेनामी खातों को जब्त करने पर अंतिम मुहर लगा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नोटबंदी के दौरान मजदूरों के नाम पर इस आवामी बैंक में दर्जनों खाते खोलकर लाखों रुपए जमा करा दिए गए थे, जिसे इनकम टैक्स ने सीज करने का निर्णय लिया है। आयकर विभाग के इस फैसले से एक बार फिर लालू प्रसाद के परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। देखना होगा कि इन सब से तेजस्वी यादव, जो कि अभी तक फरार हैं, वापस लौटने के बाद कैसे निपटते हैं और उनके परिवार को कैसे बचाते हैं, जबकि लालू प्रसाद भी अब सदेह फ्रेम में नहीं है। जुड़े रहें न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ, हम आपको हर खबर से रखते हैं बाखबर। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आपके मित्रों ने नहीं किया है तो उनसे भी करवा दें, क्योंकि मुफ्त बिल्कुल फ्री अगर कहीं खबरें मिलेंगी तो वो भारत लाइव पर मिलेंगी। साथ में आपको करना सिर्फ यही है कि सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबा देना है। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।